नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। लास्ट वीडियो में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इन दोनों में से आपको किधर जाना है ये मैंने आपको बताया था, और उसका तरीका भी बताया था कि आपको क्या करना है। और उम्मीद करती हूँ कि वो वीडियो जो था काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए ये चूज़ करने में कि आपको फर्स्ट ग्रेड में जाना है या सेकंड ग्रेड में जाना है। अब बात ये आती है कि हिंदी सब्जेक्ट से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड करने वाले बच्चों के मन में बहुत तरीके के सवाल हैं, और कमेंट सेक्शन में मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं। जवाब में सभी के नहीं दे पाती, लेकिन मैं पढ़ती सभी कमेंट्स को हूँ, सारे कमेंट्स को। और उसमें जो कमेंट्स थे वो सिमिलर ही थे, मोस्ट ऑफ ये कि हिंदी के लिए कि मैम पहले आप बुक्स करवा दीजिए। किसी का कहना था पहले जो आपके नोट्स हैं मैम आप अपने नोट्स हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। ये दो चीज़ें थी और ये दो ही चीज़ें निकल के आ रही थी। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि पहले हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहिए, जो कि मेरे नोट्स हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इन दोनों एग्ज़ाम में एक कॉमन फैक्टर है, ये दोनों ही पेपर में आता है। और रही बुक्स की बात, तो मैं अभी बुक्स के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें हिंदी में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये जो किताबें चलती थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो किताबें अलग थी। और अभी 10वीं और 12वीं का कोर्स चेंज हो चुका है और अभी सारी किताबें नई आ चुकी है। अगर हम बुक्स पहले पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपकी वैकेंसी के बाद सिलेबस में कोई भी संशोधन नहीं होता है और अगर आपका पुराना ही सिलेबस रह जाता है तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब हम बुक्स पढ़ेंगे तो खाली हम बुक्स ही नहीं पढ़ेंगे, उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, और वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो किताबों का मैटर पढ़ने के लिए काफ़ी लंबा टाइम चाहिए, और अगर वो स्टार्ट हो जाती है तो फिर जब तक वो पूरी नहीं होती है हम बीच में छोड़ नहीं सकते उसे। तो किताबें मेरे ख्याल से अभी के लिए नहीं पढ़नी चाहिए। एक बार आपकी वैकेंसी, और वैकेंसी भी नहीं तो एक बार ये क्लियर हो जाए कि पुरानी किताबें ही पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, कोई एक संशोधित सिलेबस हमारे सामने आ जाए, उसके बाद हम उन किताबों को पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ेंगे। और जैसा कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की ये डिमांड है कि मैम आप अपने नोट्स हम तक कैसे पहुंचाएंगे, तो ये जो यूट्यूब है यही एक जरिया है, और इसी माध्यम से मैं आप सभी के पास हिंदी साहित्य के इतिहास के, काव्यशास्त्र, जन संचार, कार्यालय लेखन, ये सारे मैं नोट्स आप तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि यही एक माध्यम है और इसी से मैं आपसे जुड़ी हूँ। तो एक यही वे है। तो आप जो भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के हो चाहे वो सेकंड ग्रेड के हो, आप एक अच्छी मोटी सी एक नोटबुक बना लें, क्योंकि आप जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँगी आगे आने वाला उसमें आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का मैं पूरा कोर्स करवाऊंगी, इसीलिए आपको एक कॉपी बना लेनी है। और जब भी मेरा वीडियो आता है तो आप मेरे साथ के साथ उसे लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा, क्योंकि अगर आप लिख लेंगे तो आपके पास एक ऐसी चीज़ इकट्ठी हो जाएगी कि आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। और एक चीज़, हिंदी साहित्य के इतिहास के जो नोट्स हैं वो इतने शानदार नोट्स हैं कि ये मेरा आपसे वादा है, या मैं दावा कर सकती हूँ कि एग्ज़ाम का एक भी प्रश्न मेरे इन नोट्स से बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ और आपको विश्वास दिला सकती हूँ। अब देखिए, स्कूल का टाइम है 10 से 4, आपको सबको पता है, और मैं बच्चों के साथ रहती हूँ ये भी आप जानते हैं। तो मेरे इस टाइम से जितना भी टाइम मैं निकाल पाई
और जितना भी समय मैं दे सकती हूँ उतना मैं आप सबको बिल्कुल दूंगी। और मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपको वीडियो अपलोड करके और इस हिंदी साहित्य के इतिहास के जो मेरे नोट्स हैं उनको आप सब तक मैं पहुंचाऊंगी। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि हाँ, मैं हिंदी का आपका पूरा कोर्स आपको करवा दूंगी, ये मैं आपसे कह सकती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इसी दिन वीडियो डालूंगी या इसी समय वीडियो डालूंगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकती, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मेरा जो शेड्यूल है बहुत बिजी शेड्यूल है। लेकिन हाँ, इतना कह सकती हूँ कि मैं आपका कोर्स आपको करवा दूंगी। अब बस यही है कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड अगर हिंदी से करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से जो भी वीडियो मैं इधर से पोस्ट करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे साथ के साथ बराबर चलते रहेंगे, एक भी दिन आप पीछे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बेल आइकन प्रेस करना भूल जाते हैं तो फिर आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा। तो मैं 1, 2, 3, 4 वीडियोज़ अगर कितने भी डाल भी दूंगी तो आपको बहुत लेट पता चलेगा। और भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं जो आपकी जान पहचान के हैं, आप उन्हें इस चैनल से जोड़ सकते हैं जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी में करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और एक चीज़, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अगर आपको मेरे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगते हैं और आपको अच्छे लगते हैं तो एक लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए कुछ करने को। तो अब जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा वो सीधा सा आएगा हिंदी साहित्य के इतिहास पे। तो जब भी आप बैठें तो आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें, और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी आप उन वीडियोस को साथ के साथ उतारते जाना, और एक अच्छी सी आपके पास नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। और अगला वीडियो जैसे ही आएगा तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो मिल जाएगा, और अगला वीडियो मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगी। इसी आशा के साथ कि कमेंट सेक्शन में बस इतना बता दीजिए कि हाँ मैम, हम तैयार हैं और नोटबुक और पेन लेके आपके साथ रहेंगे और बराबर हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि मेरे नोट्स पहुंचाने का एक यही ज़रिया है मेरे पास, और कोई ज़रिया है नहीं। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो बिल्कुल हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगी, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ना किताबों में दिक्कत आएगी, ना आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में आएगी, ना आपको एमए के पार्ट में आएगी, ना जनसंचार में आएगी, ना आपको कार्यालय लेखन में आएगी। किसी भी हिंदी का कोई भी फैक्टर हो, सिलेबस का कोई भी टॉपिक हो, हिंदी में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।